नहीं बना सकते, तो मैं आज आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, बाकी आप जो है इंशाल्लाह सीख जाएंगे। सीखना क्या है यार, सॉफ्टवेयर है, बस थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, बाकी हो जाता है खुद ही। बस एक इमेज आपको सेलेक्ट करनी है, बस फिर हो जाता है। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आपने उसको जाके डाउनलोड करना है। उस ऐप को आप जाके डाउनलोड करें और आप यहाँ पर आ जाएंगे। ये वाला जो थंबनेल लिखा हुआ है, ये सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। ये थोड़ा सा परमिशन मांगेगा, आप अलाउ कर देंगे। तो उसके बाद आप इसमें कवर मेकर भी बना सकते हैं, इंट्रो भी बना सकते हैं और सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें कि थंबनेल जो है इस पे आप क्लिक करें, थंबनेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। आपने बस सिर्फ सेलेक्ट करना है कि कैसे थंबनेल आपने बनाना है खूबसूरत बना के। ये देखिए इसमें जो ये पहले से सेलेक्ट है, जिसमें आपने एक ही इमेज जो है वो एडिट कर सकते हैं, इसमें आप दो इमेज लगा सकते हैं, ये पर डिज़ाइन हो गया। इसमें ये चार जो है, जो आपने थंबनेल देखे होंगे ना, उसमें चार इमेज जो होते हैं सेलेक्ट किए होते हैं, ये 2 MH का डिज़ाइन है, ये 3 MH का है, मतलब कि आप इसमें लिख भी सकते हैं, इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़ोटो वोटो एडिट करके लगा सकते हैं। ये भी डिज़ाइन है साइड पे, चैनल वैनल सब कुछ लगा के, दूसरी तरफ पे जो है वो अपना फ़ोटो अपलोड करें, वो थंबनेल सेट करें। मैं आपको सेट भी करके देता हूँ। ये है, ये इसमें भी 2 है डिज़ाइन के, तो ये है ये और कहाँ गया यार, ये हो गया, और यार ये हो गया, ये भी डिज़ाइन है इसमें। मैं आप लोगों को सिंपल यही बता दूंगा कि ये कैसे सेलेक्ट बना सकते हैं। तो आपने सिंपल इस कैमरे पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने कोई भी इमेज जो आप सेलेक्ट करेंगे, ये देखो ये खुद ब खुद इस साइज़ में आ गया, तो ठीक है। अगर इसको आप नहीं रखना चाहते तो इससे हटा दीजिए, दूसरा इमेज आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये परफेक्ट, ये पहले इतना था, अब मैं इसको छोटा कर लूँगा। ये थंबनेल, ये जो साइज़ है फुल, ये थंबनेल की साइज़ है, ठीक है। आप इससे कर सकते हैं, मतलब कि इस तरह से आप जो है इसको खूबसूरत सा बना के ना, ठीक है। यहाँ पे इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, आप इसमें लिख भी सकते हैं खूबसूरत करके, तो इस तरह से कुछ आप लिख के इसको डिज़ाइन विज़ाइन भी दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से इसको जो है वो डिज़ाइन विज़ाइन सब कुछ दे देंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वो जो सेटिंग है उसको ठीक कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए सिंपल सा काम है यार, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखिए कितना खूबसूरत बन गया, ये देखिए ये, चलो मैं इसको छोड़ता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इससे आप जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका बैकग्राउंड जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ये इसका जो पीछे का, ये आपने पट्टी लगा सकते हैं, ठीक है। बड़ा करना है, छोटा करना है, जैसे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ये इसको साइड पे करना है, बॉटम में करना है, जैसे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ये वगैरह सब कुछ आप कर सकते हैं। ये 3D लोगो है, किस तरह से देखना चाहिए, 3D में या इस तरह से देखना है। ये देखिए कितना परफेक्ट बन रहा है, ठीक है। इसको सिंपल आप सेव करेंगे, कोई वाटरमार्क नहीं आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, इसके बाद आप इसको कट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है सेव हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी गैलरी में सेव हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ